गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 55 के आगे से। और स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस एंड पीसीएस चैनल में। तो हम पहले कंप्लीट कर चुके थे फ्रेंड्स यहाँ तक, इसमें हमने आपको दिखाया था क्वेश्चन नंबर 55 तक, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि लाइफ चलती रहेगी, तैयारी बिल्कुल अपनी दमदार रखिएगा। एग्ज़ाम कभी भी आए, क्योंकि पोस्टपोन होते रहते हैं, बार बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है, तो बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बन रही हमारे साथ और करते रहिए रिवीजन, और तैयारी हमेशा जीत की होनी चाहिए, 100% रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। रिज़ल्ट को देख के चलिए, आप कभी भी निराश नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स मैंने देखे हैं जो बच्चे पढ़ते हैं उनको निराशा होने लगती है अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है। तो प्लीज़ 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 डू नॉट नीड टू वेट एग्ज़ामिनेशन डेट की। आप लगे रहिए अपनी तैयारी में, मौका कब मिल जाएगा आपको पता नहीं पड़ेगा। तो इसलिए तैयारी इतनी जोश के साथ में करिए कि कहीं भी कुछ छूट ना जाए। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल नोटिफिकेशन को प्लीज़ दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको मिलती रहे सारी अपडेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर है, विश्व का कौन सा देश अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए वैकल्पिक राजधानी का निर्माण कर रहा है? तो वो है फ्रेंड्स फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस द्वारा अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए वैकल्पिक राजधानी का निर्माण किए जाने की घोषणा दिसंबर 2015 में की गई। इसके तहत राजधानी मनीला के आपातग्रस्त होने की स्थिति में पूर्व अमेरिकी सैन्य बेस क्लार्क सिटी का विकास वैकल्पिक राजधानी के रूप में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मतलब दक्षिण पूर्वीय एशिया स्थित जो फिलीपींस है, वो चक्रवाती तूफानों, जो ज्वालामुखी के जो विस्फोट हैं, उनके कारण प्राकृतिक आपदाओं से अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। इसके कारण राजधानी जो वहाँ की जो कैपिटल है मनीला में, जनजीवन और सरकारी क्रियाकलाप सभी डिस्टर्ब हो गए थे। तो इसीलिए वहाँ पे ये जो है निर्माण के बारे में ये चल रहा है। तो ये कौन सा है बचाने के लिए जो वैकल्पिक राजधानी का निर्माण कर रहा है, वो कौन सा कंट्री है? वो है फिलीपींस। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए एक ऑप्शनल कैपिटल के निर्माण कर रहा है, वो है फ्रेंड्स फिलीपींस। और इसे 2-3 बार रिवाइज कर लेना, वीडियो आपको लर्न हो जाएगी। और यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, एज इट इज़ क्वेश्चंस आते हैं, कोई उस समय बुक को लेकर के नहीं बैठा रहता है। एग्जामिनर जितने भी हैं वो जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद जो धारण करता है वो है भारत का महान न्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76(4) के तहत भारत का महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है, पद धारण करता है। ठीक है, तो 58 में बात करते हैं, टाइम मैगजीन द्वारा निम्नलिखित में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2015 चुना गया था? तो वो है एंजेला मार्केल को चुना गया था। 2015 में टाइम मैगजीन द्वारा जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2015 चुना गया। ये केवल चौथी महिला हैं जिन्हें चुना गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर रेडी हो गए। 59 में केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया है? तो वो है दीनदयाल उपाध्याय। केंद्र सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस, निर्धनों की सेवा हेतु दिवस एवं लोक सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय कर लिया गया है। तो देखिए, इस तरीके से आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। जब जब ये होता है तो उसके 3-4 साल तक क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। और सेम एज इट इज़ क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान से याद कर लेना। 60 में है, हाल ही में जारी 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो वो है आपका सिख में। ठीक है फ्रेंड्स, 61 में सऊदी में मक्का की स्थानीय परिषद में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला है। तो प्रथम जो महिलाएं सऊदी में मक्का की स्थानीय परिषद में जो इलेक्टेड हुई हैं, जो मतलब निर्वाचन जिनका करा गया है, तो उनको हम कहेंगे सलमा बिंत। ठीक है, सलमा बिंत है वो। 62 में हाल ही में सुर्खियों में आया वेंडेलस्टीन 7X। ठीक है, तो ये संबंधित है आपका
देखिए नाभिकीय ऊर्जा से इसे करा जाता है, 7x जो है वेंडल स्टीन 7x जर्मनी के ग्रीफ्सवाल्ड में मैक्स फ्लैक इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिक्स द्वारा स्थापित प्रायोगिक स्टीलेटर नाभिकीय संलयन यंत्र है, इस जिसका निर्माण अक्टूबर 2015 में पूर्ण हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट की, विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है। ठीक है, अनिवार्य मतदान की जो व्यवस्था लागू है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है फ्रेंड्स। तो अब इसमें आप देख लीजिएगा ये अनिवार्य किस सेंस में कह रहे हैं। अब जैसे किसी किसी में तो वोट बैलेट अलग तरीके का होता है, ठीक है, और कहीं कहीं पे ये भी है कि उनका पूरा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर है वो अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन भी उनका डिफरेंट है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ रहा है कि इसके अंदर कौन सा वाला हो सकता है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसके बाद करते हैं 64 की, अभी हाल में किस देश ने एक बच्चे के मानक की नीति को अस्वीकृत कर माता पिता को दूसरे बच्चे हेतु अनुमति दी है। तो वो है चीन। चीन की जो पॉपुलेशन थी वो नेगेटिव जा रही थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी जनरेशन को फिर से बढ़ाने के लिए उन्होंने जो भी पेरेंट्स हैं उन्हें दो बच्चों के लिए अनुमति दे दी है। पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी है, ये लिखी है मोहिंदर पुरी जी ने, तो ये कारगिल टर्निंग द टाइड के ऊपर पुस्तक है जो कि लेखक महेंद्र पुरी जी ने लिखी है, जनरल महेंद्र पुरी हैं ये, तो ये जनरल महेंद्र पुरी जी को याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। भारत में संपन्न हुई इंटरनेशनल टेनिस प्रीमियर लीग ITPL 2015 में राफेल नडाल ने खेला था। ठीक है, तो अब ये जो राफेल नडाल ने खेला है वो किसकी ओर से खेला है, तो ये खेला था इंडिया एसेस की ओर से, भारत में संपन्न हुई थी ये, और ITPL 2015 इसमें स्पेन के राफेल नडाल ने इंडिया एसेस टीम की ओर से भाग लिया था। ठीक है, स्पेन के हैं राफेल नडाल, ठीक है, और इन्होंने खेला किसकी तरफ से, एसएस टीम की ओर से, जो इंडिया की टीम थी, एसएस टीम इंडिया एसएस टीम, ठीक है, इसकी तरफ से भाग लिया था, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा दमदारी के साथ में आ सकता है, तो इसे भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। फिर बता रही हूँ आप कितनी करंट अफेयर करोगे, अभी तो जो लास्ट अभी इसका IAS का पेपर देखने को मिला है हमें, उसमें 2017 के 2018 में 2017 का तो चलो कॉमन हो गया, चलो मान लेते हैं कि 2017 से आ गया, बट 2016 और 2015 के भी क्वेश्चन इवन उसमें देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स ये मान के चलना कि ये केवल तभी पॉसिबल है जबकि वो पुराने क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस होता है सेम एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट होता है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऑप्शन में इधर उधर कर दें लेकिन सेम ही क्वेश्चन रहता है। जैसे इसके अंदर आपको राफेल नडाल के ऊपर दो क्वेश्चन मिल रहे हैं सीधे सीधे, ठीक है ना, तो इंडिया एसएस की ओर से खेला था, दूसरी बात राफेल नडाल जो है वो कहाँ के हैं, तो वो स्पेन के हैं, ठीक है, और कौन सी प्रीमियर लीग हुई थी, तो वो इंटरनेशनल टेनिस प्रीमियर लीग ITPL हुई थी जो भारत में संपन्न हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं, आप सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, एक ऐसा रट्टा नहीं मारना है कि जो इसमें लिखा है उस चीज़ को बिल्कुल ऐसे लीजिए जैसे आप टीवी की न्यूज़ देख रहे हैं, इसलिए मैंने इसे बनाया है क्योंकि सुन के हमें बहुत जल्दी याद होता है और ये साइकोलॉजिकल मतलब प्रूफ हो चुका है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आप ये ध्यान रखिएगा कि स्मार्ट क्लासेस का जो पैटर्न है वो इसीलिए आया है, और जैसे कि मैं साइकोलॉजी से अपना PG कर चुकी हूँ तो मुझे भी मतलब उसके अंदर पढ़ा है कि थ्योरी से ज़्यादा जो हम हैं प्रैक्टिकली अगर सुनते हैं किन्हीं चीज़ों को तो हमारा माइंड जो उसको ज़्यादा पीक तक लेके सीखता है और लर्निंग कैपेसिटी जो हमारी मेमोराइजिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप सुन करके याद करिए बजाय केवल एक कॉपी को लेके कोने बैठ के पढ़ते रहिए, उससे ज़्यादा जल्दी आपको इस तरीके से याद होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की, तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया, तो वो है आजमगढ़। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नवंबर दिसंबर 2015 में जो संपन्न हुआ था पंचायत चुनाव, ठीक है, तो पंचायत के इलेक्शन में आजमगढ़ जिले की जो फूलपुर ब्लॉक के अदमा मऊ ग्राम की प्रधान जो 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी उन्हें चुना गया था, ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। तो इसका आंसर सीधे सीधे उत्तर प्रदेश करना, और ये देखो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में आपको पता होना चाहिए, 112 वर्ष से याद रख लेना, बिल्कुल ही डिफरेंट है ये दो, इसको याद रखने में आपको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर 68, रघुवीर चौधरी ने जिन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जिस साहित्य को संपन्न किया गया वह है, ये देखिए गुजराती, तो ये है रघुवीर चौधरी जिन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है साहित्य को संपन्न किया है वो कहाँ के गुजराती हैं, ठीक है,
तो इन्होंने गुजराती इसको करा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे जाने की घोषणा की गई। वे ये सम्मान पाने वाले गुजराती भाषा के अब तक के कुल चौथे साहित्यकार हैं। उल्लेखनीय है कि प्रश्न में ज्ञानपीठ पुरस्कार के स्थान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो कि निश्चित रूप से गलत है। ठीक, अब देखिए इस तरह की गलतियाँ इसमें होती रहती हैं, लेकिन उस समय तो हमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो उसका मच बेटर आइडिया ये है कि अगर ज्ञान सम्मान पुरस्कार आपको याद था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो आप इसे कर पाएंगे, रादर देन आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में ले जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं। देखिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे क्वेश्चन को, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अब शुरू हो गई है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे आ गया है UPPSC, तो थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, 69 में देख लेते हैं, भारत के सभी राज्यों को विश्व के अलग अलग देश मानकर मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग के मामले में इन राज्यों को संबंधित देश की रैंकिंग से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से, देखिए मैचिंग है, भारत के सभी राज्य जो हैं वो विश्व के अलग देश मानकर जो विकास की सूचकांक में रैंकिंग आती है तो उसको उससे मैच करना है। तो जैसे मान के चलिए आपको अगर 1, 3, 4 और 2, 1, देखिए फिर मैं बताऊँगा इसके अंदर कि आपको जो करना है कि 1, 3, 4, 2, 1 है, इसका मतलब अगर एक भी ऑप्शन आपको पता है तो आपका ये आप एक सेकंड के अंदर कर पाएंगे, आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, टाइम बहुत सेव हो जाएगा। तो इसके अंदर आप ये देख लीजिए कि कौन सा आप इसके अंदर जानते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है। अब उत्तर प्रदेश, आप कम से कम उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, उत्तर प्रदेश तो जानते होंगे कि रैंकिंग के मामले में किस कंट्री से मैच करा जाता है। तो जो उत्तर प्रदेश है मानव सूचकांक के हिसाब से, वो किस मानव विकास सूचकांक के हिसाब से रैंकिंग में जो मैच करा जाता है, वो मैच करा जाता है पाकिस्तान से। और अगर हम बात करें कि हमें ये पता पड़ गया तो हम देख लेंगे कि इसके अंदर हमें सी में कन्फ्यूज़न दिख रहा है, सी का 2, 2, 2 सब में है, तो हमें पता होना चाहिए ए वाला। अगर हमें ए वाला पता होता है, ठीक है, तो हम इसे कर पाएंगे, क्योंकि बाकी सब में कन्फ्यूज़न है। ए में हमें केरल का पता होना चाहिए, केरल का भी कॉमन है, क्योंकि मूवी केरल के ऊपर आई थी, तो आई थिंक आप लोगों ने उस पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो केरल वैसे भी सब लोगों के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट रहता है, तो केरल का भी आपको मालूम ही होगा। तो हम देख लेते हैं, केरल का जो कंपेयर कराया जाता है मालदीव से करा जाता है, तो इस तरीके से हमें पता पड़ जाएगा कि इसका हो जाएगा आंसर बी। तो ये आपका जो बी वाला है ये हो जाएगा राइट, केरल का हो जाएगा आपका मालदीव और उत्तर प्रदेश का हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर पाएंगे, टाइम सेव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, इसकी डिटेल की हमें ज़रूरत है नहीं है। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई? तो ये जो स्टार्ट करी गई है वो SBI से करी गई है। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड होता क्या है, तो थोड़ा डिटेल यहाँ पढ़ लो। योजना भारतीय स्टेट बैंक SBI, ठीक है, SBI ने सितंबर में 2015 में प्रारंभ की थी, और यह उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शॉपिंग में सुविधा के उद्देश्य से प्रारंभ देश का पहला क्रेडिट कार्ड है। यानी इससे आप जाओ और ऑनलाइन कुछ भी परचेज कर लो, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये सिंपली क्लिक करके इसे कहा जाता है, सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। ये SBI ने स्टार्ट करी 2015 सितंबर में। सभी चीज़ याद रखने के लिए, केवल न्यूज़ की तरह पढ़ लोगे तो याद रहेगा, रादर देन दिस याद नहीं रहेगा। 71 में है, 64वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता पियो ओलंजो वोर्ड्सबैक संबंधित हैं, तो ये हैं फिलीपींस से। अभी हाल में भारतीय रेलवे में एक सुनियोजित घोटाला पकड़ा गया, यह भ्रष्ट आचरण घोटाला संबंधित है। तो ये जो घोटाला अभी पकड़ा गया वो है ब्रांड जल यानी कि रेल नीर से, जो ये रेलवे का ब्रांड जल जो आता है रेल नीर से संबंधित है। और इसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा रेलवे के ब्रांड जो जल है यानी रेलवे नीर जो आता है रेल नीर से संबंधित घोटाले में रेलवे के 2 पूर्व मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों, ठीक है, तो उनके जो कमर्शियल जो उनके वो रहे होंगे प्रबंधक मैनेजर वगैरह कुछ व्यवसायियों होता था, 8 कंपनी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल करी गई है। इन पर मिलीभगत से रेल नीर के स्थान पर सस्ते पैकेज्ड जल के विक्रय द्वारा रेलवे को 19.5 करोड़ रुपये का नुकसान पहुँचाने का आरोप है, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की, भारत ने बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की? तो ये है इजराइल। भारत ने जो बराक 8 जो करा है, बराक 8 मिसाइल जो आपने न्यूज़ में सुना होगा, वो किया है किसके सहयोग से, किसके साथ में? तो वो है इजराइल, इजराइल को याद रखिएगा।
नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नीलांग घाटी है उत्तराखंड राज्य में स्थित। नीलांग घाटी को याद रखना, नीलांग घाटी पे इस तरह की घाटी के क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों के आपको दे दूंगी, जैसे पार्क हैं, कुछ चीज़ें हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट दे दूंगी, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी मुझे आपको देने हैं, तो वो आज मिल जाएंगे आपको। 75 में देख लें, निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया? उन्हें इतिहास बनाते हुए 2015 के चुनाव में 13 सीटें जीती, तो वो है सऊदी अरब। पहली बार भैया वहाँ पे ऐसा हुआ 2015 में, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आप इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ठीक है, तो जो चट्टान सबसे अभी न्यू है यहाँ पे, यंगर है, तो वो है आपका गोंडवाना। प्रश्न, भारत की चट्टान प्रणालियों में नवीनतम जो चट्टान प्रणाली है वो गोंडवाना है, जो ऊपरी पुराजीव निचले मध्यजीव काल की है। इसके बाद कालक्रम की दृष्टि से क्रमशः है, अब देखा जाए इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो विंध्यन है, उसके बाद में कुटप्पा है, उसके बाद धारवाड़ है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको एक मतलब उसमें सीक्वेंस में समझ सकते हैं। 77 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो अब इसमें कौन सा सही नहीं है वो देख लो आप, कौन सा किससे नहीं मैच कर रहा है। तो ये देखिए इसके अंदर दिया फोहन, अल्पस पर्वत, बोरा, पोलैंड, तो इसके अंदर ये सही है, मिस्ट्रल राइन घाटी, ठीक है ना। तो इसके अंदर फोहन पवने अल्पस पर्वत क्षेत्र में, बोरा पोलैंड में, तथा खस्मिन मिस्र में चलती हैं, जबकि मिस्ट्रल पवने जो होती हैं वो मुख्यतः फ्रांस और स्विट्जरलैंड में चलने वाली पवने, राइन घाटी क्षेत्र में फोहन पवने चलती हैं। तो ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब वो तो सही थी, अब जो गलत था तो हमने निकाल लिया। अगर आप इसे ठीक से नहीं पढ़ते तो आप सही वाले में से कंफ्यूज हो जाते और क्वेश्चन या तो गलत कराते या छोड़ाते, क्योंकि सही यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, गलत मिस्ट्रल राइन घाटी है, जबकि ये जो आपका दिया हुआ है मिस्ट्रल वाला इस पवने, वो मुख्यतः फ्रांस और स्विट्जरलैंड में चलने वाली पवने है। राइन घाटी क्षेत्र में कौन सी पवने चलती हैं? फोहन पवने चलती हैं। तो